ज्यादातर मुद्दों के ऊपर सारे साथी बोल चुके हैं, मैं केवल दो तीन मुद्दे ही यहां पर आपके बीच में रखना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक सवाल पूछना चाहेंगे थोड़ा लाइट मोड में, कि पिछले चार दिनों से हमें बड़ा सीवियर माइग्रेन हुआ है, आप बताइए हमने कौन सा न्यूज चैनल देखा होगा? रुई निकाल लिया कब? मुझे लग रहा है कि आज शायद ऐसा भी सुनने को मिले। लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेशन वांट्स टू नो टुनाइट विद मी द चाटुकार ऑफ द नेशन। आखिर क्यों उमर खालिद ने इस मंच पर से जिग्नेश मेवाले को कुरकुरे का पैकेट दिया? देखिए मनोरंजन बड़ा जरूरी है, हमारे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया, हिंसा भड़का है, अभी किसी को कन्विंसिंग नहीं लगता। हम जब चुनाव लड़े और जिस सिंबल से चुनाव जीते वो है सिलाई मशीन, और पूरे कैंपेन के दौरान हम ये कहते थे कि 22 साल के दौरान गुजरात के अंदर तोड़ने की राजनीति हुई, हम तो सिलाई मशीन वाले हैं, हम जोड़ने की राजनीति करने के लिए आए। तो साथी कन्हैया, शैला और दूसरे सभी साथियों का बिल्कुल सही कहना है, हम वो लव जिहाद वाले नहीं, हम तो प्यार इश्क मोहब्बत जिंदाबाद वाले हैं। इसीलिए 14 अप्रैल भी सेलिब्रेट करेंगे, वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट करेंगे, और आपके बीच में ये बात भी साफ कर दे मीडिया के सारे मित्रों के माध्यम से कि हमारा साफ तौर पर मानना है और विनम्रता के साथ मानना है कि जिस प्रकार गुजरात के अंदर अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी ने मिलकर युवा वर्ग की अगुवाई में उनके 150 सीटों के घमंड को 99 पे आकर रख दिया, उसी के चलते हमको टारगेट किया जा रहा है, और उसी के चलते संघ और बीजेपी के जिन लोगों ने भीमा कोरेगांव को हिंसा किया उनकी गिरफ्तारी के बजाय ऑफेंस समारोह पर आपके बीच में, अरे तीन बार हो गए, चार बार हो गए, ये दोबारा कहना चाहते हैं कि हम एक बार होता है किसी भी समुदाय जाति या धर्म के खिलाफ न थे न होंगे। अब इस देश के लोकतंत्र में मानते हैं, इस देश के संविधान और संविधान के मूल्यों में मानते हैं, सावित्रीबाई फुले, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की फिलोसॉफी में मानते हैं, और इसीलिए कहते हैं क्या हमारे ऊपर हमले करवाइए, गाली गलौज कीजिए, फर्जी मुकदमे दर्ज कीजिए, उन सबके बावजूद हम संविधान की ही बात करेंगे और प्यार इश्क और मोहब्बत का ही गाना गाएंगे। तो साथियों, सुबह से मीडिया के साथी लगातार हमको ये सवाल भी कर रहे हैं, आपको पुलिस परमिशन नहीं मिला, आपका क्या कहना है? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस देश की 125 करोड़ जनता यह भी देख रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को रिहा करो, इस देश में सच्चे लोकतंत्र और संविधान को लागू करो और 2 करोड़ युवा को रोजगार दो,
इतनी बात रखने का, यदि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी अधिकार नहीं तो यही वो गुजरात मॉडल है। अरे मोदी जी, हम आप ही के गुजरात के और विधायक भी है अब तो, और हमें मालूम है हमारे असेंबली में जाने के चलते आपको बहुत सी फाइलें जलानी पड़ी है, और सारे वो ब्यूरोक्रेट्स जो इतने सालों तक बोल नहीं पा रहे थे वो सारी करप्शन की फाइलें हमारे पास आने वाली है, हमको मालूम है। लेकिन आप ये बात भी समझिए, भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई उसमें कोई जिग्नेश मेवाणी को नहीं आपको जवाब देना है। आपको यह जवाब देना है कि आखिर अखिल गोगोई के ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, आखिर 700 से 800 स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के ऊपर पिछले 4 सालों के दौरान ऑफेंस क्यों दर्ज हुए। आपको यह जवाब देना है कि भीम आर्मी के साथियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। आपको जवाब देना है कि चंद्रशेखर रावण रासुका के चलते जेल में क्यों बंद है। आपको जवाब देना है ऊना के विक्टिम्स को न्याय क्यों नहीं मिला। आपको जवाब देना है आज भी ऊना सहारनपुर और भीमा कोरेगांव क्यों हो रहा है। यह आपको जवाब देना है कि विदेशी बैंकों में पड़ा 15 लाख इस देश के गरीब आदमी के जेब में क्यों नहीं आया। आपने हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार का जो प्रॉमिस दिया था उस प्रॉमिस का क्या हुआ। आपको जवाब देना है कि मध्य प्रदेश के किसानों की छाती पर आखिर गोलियां क्यों दागी गई, ये सवाल पूछने के लिए सोशल जस्टिस के एजेंडा के साथ सारे युवा लीडर आज मौजूद हैं। आपको ये जवाब देना है कि आखिर रोहित वेमुला की हत्या क्यों हुई और नजीब को गायब क्यों किया गया। ये सारे सवाल हम विधायक के तौर पे गुजरात के असेंबली में भी पूछेंगे और सड़कों में पीपल्स के मूवमेंट के दौरान आपके बीच में खड़े रहकर भी पूछेंगे। ज्यादा बात न करते हुए इस बात को लेकर हम सभी के बीच में तो दोहराए नहीं कि एक समाज और राष्ट्र के तौर पे इतनी जबरदस्त क्राइसिस इतनी डीप ट्रबल में हम लोग कभी नहीं। आज पूरा भारतवर्ष उथल पाथल से गुजर रहा है। हम फांसीवाद का मुकाबला कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक जबरदस्त खतरा है। हम इसी संविधान और लोकतंत्र को सचमुच बचाना चाहते हैं। हम किसी भी व्यक्ति विशेष समुदाय जाति या धर्म के खिलाफ लथे न हो गए। हम सचमुच मोहब्बत की बात करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4 साल के दौरान घर वापसी, लव जिहाद और गाय माता के नाम पे राजनीति की गई और घर वापसी, लव जिहाद और गाय माता के नाम पर रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा, महंगाई, भ्रष्टाचार, देश में चल रही कॉर्पोरेट लूट, किसानों की आत्महत्या, जीएसटी, नोटबंदी, ये जो असली सवालों से ध्यान भटकाया जा रहा है और एक नकली दुश्मन खड़ा करने की जो साजिश रची जा रही है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम इस मंच पर से
इतना ही घोषणा करके हमारी बात को खत्म करेंगे। क्या लव जिहाद, घर वापसी, ये गाय के नाम पर जितना भी चिल्लाना हो, जितने भी राजनीति करनी हो वो कर लो, लेकिन हम बात करेंगे इस देश में अदानी अंबानी एहसान को नहीं, लेकिन दलित आदिवासी और भूमिहीन को जमीन का आवंटन हो। हम ये बात करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इंडिया सचमुच डिजिटल बनना ही चाहिए, लेकिन इंडिया डिजिटल बने उसके पहले सिर्फ इतना टेक्नोलॉजी ला दो कि किसी भी व्यक्ति को गटर में उतर कर मरना ना पड़े, ये हम चाहते हैं। और आप सबके बीच में जितने भी युवा लीडर यहां पर मौजूद है मेरे साथ मंच पर, वो सभी एक साथ खड़े होकर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सवाल पूछना चाहते हैं कि सर आप क्या चूज करने वाले हैं। मेरे एक हाथ में है मनुस्मृति और दूसरे हाथ में होगा संविधान। आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं जिसका जवाब आपको हर कीमत पर देना पड़ेगा कि आप मनुस्मृति को चूज करते हो या संविधान को, और यदि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो साथी कन्हैया ने बताया, दूसरे साथी ने बताया, बिल्कुल उसी तरह युवा वर्ग की अगुवाई में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जैसे असली मुद्दे पर इस पार्लियामेंट स्ट्रीट का एक कोना, एक भी इंच बाकी ना हो, इतनी बड़ी तादाद आने वाले दिनों में हम खड़ी कर देंगे। तो साथियों, आने वाले दिनों में कभी कोई अखिल गोगोई को एनएसएस में टारगेट किया ना जाए, और बहुत जल्द ही भीम आर्मी के हमारे साथी चंद्रशेखर आजाद रावण को रिहा कर दिया जाए, इसी उम्मीद के साथ इसी लड़ाई को, इसी संघर्ष को हम लोग आगे ले जाएंगे। आप सबके बीच में मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, कार्यक्रम के आयोजक साथियों का भी धन्यवाद करता हूं।